नमस्कार, यह न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका में लगभग 4 वर्ष से अधिक समय के बाद मुख्य अधिकारी को स्थानांतरित किया गया और नए मुख्य अधिकारी का प्रभार प्रशासन द्वारा दादरा नगर हवेली की उप जिला अधिकारी चार्मी पारिक को सौंपा गया है। अधिकारी का आदेश आने के कुछ ही दिन बाद उप जिला अधिकारी चार्मी पारिक नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां पर सिलवासा नगर पालिका के पदाधिकारियों ने अपने नए मुख्य अधिकारी का बड़े ही गर्म जोशी से स्वागत किया। आइए सुनते हैं नगर पालिका के मुख्य अधिकारी चार्मी पारिक ने क्या कहा। देखिए, हाल ही में मुझे जो सीईओ सिलवासा म्यूनसिपल काउंसिल का चार्ज दिया गया है, तो आज एसएमसी के बिल्डिंग में आके प्रेसिडेंट साहब और बाकी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई। हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा विचारना करी कि हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और इसी के साथ साथ क्योंकि सिलवासा स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, तो दोनों का कोलैबोरेशन करके हम लोग कैसे सिलवासा म्यूनसिपल काउंसिल को एक बहुत ही अच्छा सा म्यूनसिपल एरिया बना पाए, उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीतें करी। एंड मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे म्यूनसिपल एरिया के जितने भी लोग हैं, अगर उनकी कोई भी दिक्कतें हैं तो वो अपने सिलवासा के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है उसके ऊपर कुछ भी अपनी कंप्लेंट डालेंगे तो उसका भी हम लोग जल्दी से जल्दी सल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ साथ बाकी भी जितने म्यूनसिपल काउंसिल के काम हैं जो मेरे प्रीवियस सीईओ साहब ने अच्छे से संभाला था, और उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी।